बीजेपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र रहली में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसी यहां आए तो उनसे पूछना कि कितने में बिकोगे, वे सूटकेस भर कर इधर उधर हो जाते हैं। भार्गव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि इतिहास गवाह है, हमने लाठियां गोलियां खाई लेकिन कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। सबसे ये कहना चाहते भैया कोनो कांग्रेस आए आपके यहाँ तो उसमें सबसे पहला सवाल जो पूछू कि भैया तुम कितने में बिको हो, बस हमें कितने दे हो जाए ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। ये बकरे के लिए बने कोनो गरीब से तो पूछ ही नहीं है जो की वोट लाई तुमने, जो हमने तुम्हें वोट दी छाती लड़ाए फिरो, लड़ाई झगड़ा करो फिरो, झंडा लगाओ फिरो, नारे लगाओ फिरो, दुनिया की गिचर में बुराई में पड़ रहा। तुमने तो अपने गिड्डियां ख्यासी सूट किए भरे और अपने इतने से होते होते से ऐसे धोखेबाज मेहमान नहीं, 40 साल में कभी इतिहास इस बात का गवाह है कि गोपाल भार्गव 20 साल में अपोजिशन में रहे, 20 साल में खिलाफ पार्टी में विधानसभा में लड़ते रहे, आम सभा में लड़ते रहे, धरना प्रदर्शन जेल जो कुछ भी हो सकता है, लाठी गोली सब हमने खाई लेकिन हमने कभी अपना धर्म ईमान पार्टी से। दरअसल शुक्रवार को भार्गव अपनी विधानसभा क्षेत्र रहली में निकाली जा रही विकास यात्रा में पहुंचे थे। शाहपुरा में भार्गव ने यात्रा विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान गोपाल भार्गव विकास यात्रा कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। अब सियासी हलकों में भार्गव के इस बयान को सिंधिया समर्थक विधायकों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थकों में खींचतान बढ़ गई है। सागर से हिमांशु पुरोहित की रिपोर्ट एमपी तक।